कल रात को ये इनवाइट करके गया था कि सुबह मेरा पूरा घर में रुकने के लिए भी बोला था और बोला रुक नहीं जा नहीं पाया ना कैंप टेंट फिर से वापस पैक करके, तो ये बोला और इसके पापा ने बोला कि सुबह हमारे घर में खाना ज़रूर खाना है ब्रेकफास्ट का, और अभी सुबह को मेरे को लेने के लिए अभी आ गया और फिलहाल सारा सामान वगैरह पैक करके रखे आए और जा रहे हैं इसके घर ब्रेकफास्ट करने। क्या नाम है तुम्हारा फिर से बोलो? मीनबा। अभी उसके घर में आए हैं, छोटा सा भाई था बच्चा था, अभी खाना खा रहे हैं। भैया जी कहीं बाहर गए। दीदी थैंक यू सो मच आपको इतना टेस्टी खाना खिलाने के लिए। खा लेते हैं इसको पहले फिर बाहर निकलेंगे। वो उधर भी, वो भी खा रहे हैं, वो बाहर बैठ के खा रहा है धूप में, मैं अंदर बैठ के खा रहा हूँ। खाओ खाओ। हो गया खाना शाना, खा चुके हैं, मोबाइल को भी थोड़ा चार्ज कर लिए और फिलहाल यहाँ से निकलेंगे। भैया जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू। दीदी थैंक यू। इधर देखो। हाय कर दो। गेम खेलने में घुस गया रे। चलो हाँ, तो थैंक यू सो मच, फिलहाल मैं यहाँ से निकलूँगा, आगे की तरफ चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का तो सारा प्यार देने के लिए। हम यहाँ पे कैंप लगाने के लिए सोच रहे थे ना, आज माता भी मेरे साथ है, मिल चुका है और फिलहाल ये घर में पूछे थे कि चाबी के लिए ना, तो ये मैम दीदी को आए अभी फिलहाल और बोल रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, हमारे घर में रूम खाली है, वहाँ पे आके रुको। तो दीदी आपको सच में बहुत बहुत शुक्रिया। हम काफ़ी दिनों से हम नागालैंड में घूम रहे हैं और जहाँ भी जाते हैं ना आप जैसा ट्रीट कर रहे बिल्कुल ऐसा ही ट्रीटमेंट मिल रहा है, सच में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस। चाय पीजिए। दीदी ने फिर से मैगी चाय बना के बुला लिया। थैंक यू सो मच फिर से आपको। एक्चुअली मेरा हालत ऐसा हो गया ना, मेरे को थैंक यू बोलते बोलते मेरा मुंह दर्द हो गया, नागालैंड के लोग इतना अच्छा मिल रहे मुझे। थैंक यू सो मच, सच में मेरा हर रोज कम से कम मुझे 100 बार थैंक यू बोलना पड़ता है, इतना अच्छा अच्छा लोग मिल रहे हैं ना नागालैंड में। कल इसी घर में रुके थे, फिलहाल यहाँ से निकलने वाले, घर के जो ओनर है वो कहीं चले गए बाहर ना काम से, तो अभी फ़िलहाल उनको बाय नहीं बोल पा रहे, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट आई होप कि वो फेसबुक से यूट्यूब से हमें देखते रहेंगे। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया दीदी और थैंक्स हमें एक रात अपने घर में रहने देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है फिर कभी ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय।